दोस्तों आज लेके आया J7 नेक्स्ट। तो ये फ़ोन डेड है, तो इसको कैसे चेक करेगा ये दिखाएगा आपको। तो सबसे पहले बैटरी कनेक्टर में चेक करो, यहाँ पे कुछ भी शॉर्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। लेकिन फ़ोन डेड है, यहाँ पे कुछ भी शॉर्ट नहीं दिखाएगा। आप चेक कर सकता है, बोर्ड को निकल दो पहले। निकलने के बाद पीछे में देख लीजिएगा जो CPU रहता है, हाँ उसका टीना निकाल दो। निकलने के बाद वहाँ पे देखेगा एक चार्जिंग IC, ये चार्जिंग IC का बगल में एक तो रेजिस्टेंस है बड़ा वाला, उसमें चेक करना है। तो इसमें देख लीजिए शॉर्ट दिखा रहा है, फुल शॉर्ट, ठीक है। अच्छा से देख लीजिए, फुल शॉर्ट दिखा रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, जो चार्जिंग IC है इसको निकलना है, निकल के फिर चेक करना है। तो सबसे पहले निकलने के लिए जो टीना है उसको काटना पड़ेगा। तो ये चेक कर लीजिए, देखिएगा शॉर्ट दिखा रहा है, बैटरी कनेक्टर में शॉर्ट नहीं है। तो IC को निकल के फिर चेक करना पड़ेगा। সাউন্ডটা ঠিক করে দে। না কাকা এটা হবে না। তো IC কো নিকালনে কে বাদ আবি চেক করনা হে। IC তো নিকাল দিয়া, আবি দেখ লিজিয়েগা মিটার মে চেক করেগা। দেখিয়েগা আবি थोड़ा सा भी शॉर्ट नहीं है रेजिस्टेंस में, थोड़ा सा भी शॉर्ट नहीं है। बॉडी में शॉर्ट दिखा रहा है, बैटरी कनेक्टर में शॉर्ट नहीं है, अभी बड़ा लो रेजिस्टेंस में वहाँ पे भी शॉर्ट नहीं है। तो यानी ये जो IC था वो IC ख़राब है, ठीक है। तो मेरा पास A20 का एक तो बोर्ड है ख़राब वाला, तो उसमें से वो IC निकल के हम J7 नेक्स्ट में लगा के ऑन करा के आपको दिखाएगा। तो मदरबोर्ड का जो IC निकाला मैंने, वहाँ का जो बॉल है वो आयरन से साफ करना है। अच्छे से साफ करके, एकदम अच्छे से साफ कर लीजिएगा। करने के बाद IC को बैठाना है। छोटा IC है इसलिए रिबोलिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा IC में पेस्ट लगा के फिर लगाना है। IC लगा दिया, अभी चेक करेगा।
मदरबोर्ड थोड़ा हीट है, ठंडा होने दीजिए। अभी देख लीजिए, थोड़ा सा भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से कम करना है दोस्तों, और मेरा जो चैनल है बहुत बड़ा करना है। जल्दी जल्दी मेरा चैनल को शेयर करो, चैनल को जल्दी जल्दी बहुत बड़ा कर दो। कोई भी बैटरी से आप चेक कर सकता है। ये देख लीजिए 100% ऑन हो गया। ये देख लीजिए पूरा खुल गया सेट। जो चार्जिंग आईसी था वो आईसी अगर ख़राब रहेगा तो कोई भी सेट ऑन नहीं होगा, ठीक है। सैमसंग का जितना भी सारे सेट होता है सबसे पहले चार्जिंग आईसी को चेक करना है। ये चार्जिंग आईसी ख़राब होने से आपको बैटरी कनेक्टर में वो मालूम भी नहीं चलेगा ये सेट शॉर्ट है कि नहीं है, क्योंकि खुल के चेक करना पड़ा।